Hello viewers, today I am going to tell you when do URL parameter become a SEO issue. जब आप parameter pass करते हैं URL में तो वो एक issue बन जाता है कि वो optimize नहीं हुआ. जो search engine optimization होता है वो आप proper parameter नहीं लगाते तो वो fulfill नहीं होता और वो problem करता है. अब वो क्यों problem करता है उसके different reason है. पहला है डुप्लीकेट कंटेंट. आपने ऐसा पैरामीटर लगा दिया जो कि पहले ही से आपका उस टाइप का पेज आपके वेबसाइट या वीडियो पे था और आप उसी पेज को फिर से पैरामीटराइज करना चाह रहे हैं तो उस पेज को हम डुप्लीकेट कंटेंट कहते हैं. दिस इज बिकॉज अ पेज रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू यूआरएल पैरामीटर इज ऑफन वेरी सिमिलर टू ओरिजिनल पेज व्हाइल सम पैरामीटर माइट रिटर्न द एग्जैक्ट सेम कंटेंट एज द ओरिजिनल. तो पैरामीटर ऐसा लग गया कि जो पहले से पेज था जो हम पहले से देख रहे थे उसी को वो फिर से दिखा रहा है. सिंस एवरी यूआरएल इज ट्रीटेड बाय सर्च इंजन एज ए इंडिपेंडेंट पेज मल्टीपल वर्जन ऑफ द सेम पेज क्रिएटेड बाय यूआरएल पैरामीटर माइट बी कंसिडर डुप्लीकेट. तो अब इस टाइप का पेज जो होता वो डुप्लीकेट कॉन्टेंट कहलाने लगता और एसईओ का कोई मतलब नहीं रह जाता. लॉस इन क्राउल बजट. अब आपने पैसा लगाया कि क्राउलिंग तेजी से हो जाए लोग ज़्यादा पेज ज़्यादा अच्छे से समझ पाए लेकिन क्या हुआ. कीपिंग अ सिंपल यूआरएल स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ अ बेसिक फॉर यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन. तो सिंपल जो पैरामीटर पास स्ट्रक्चर होता है यूआरएल का वो यूआरएल के ऑप्टिमाइजेशन को पॉसिबल करता है. कॉम्प्लेक्स यूआरएल विद मल्टीपल पैरामीटर क्रिएट मैनी डिफरेंट यूआरएल That points to identical content. लेकिन आप जब कई पैरामीटर लगा देते तो सेम टाइप के पेज को वो डिफरेंट यूआरएल में दिखाता है और सिमिलर कंटेंट को दिखाता है. तो गूगल के हिसाब से क्राउलर माइट डिसाइड टू अवॉइड वेस्टिंग बैंडविड्थ इंडेक्सिंग ऑल कंटेंट ऑन द वेबसाइट मार्क इट एज अ लो क्वालिटी एंड मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड. तो गूगल उसको बैंडविड्थ की वेस्टिंग समझता है और इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम करता है और इस टाइप के पेज को लो क्वालिटी पेज कहते हैं और वो उसको मूव कर जाता है और नेक्स्ट पेज पे चला जाता है उसको अवॉइड करता है. कीवर्ड कैनिबलाइजेशन. फिल्टर्ड वर्जन ऑफ ओरिजिनल यूआरएल टारगेट द सेम कीवर्ड ग्रुप. दिस लीड्स टू वेरियस पेज कंपीटिंग फ्रॉम द सेम रैंकिंग which may lead crawler to decide that filtered page do not add any real value for the user. अब आपने parameterize कर दिया URL को और सोच रहे हैं कि अच्छा काम हो गया लेकिन जब वो same page को ही दिखा रहा crawling के समय filter करने के समय तो वो waste करता है time को और उसकी real value user को नहीं मिलती है. और keyword cannibalization इसको कहते हैं तो प्रॉब्लम करता है कि सेम कीवर्ड के ग्रुप को वो टारगेट कई पेजों से करता है. डाइल्यूटेड रैंकिंग सिग्नल विद मल्टीपल यूआरएल पॉइंटिंग टू द सेम कंटेंट लिंक्स एंड सोशल शेयर माइट पॉइंट टू एनी पैरामीटराइज्ड वर्जन ऑफ द पेज. सेम कंटेंट को मल्टीपल यूआरएल पॉइंट करता है. लिंक एंड सोशल शेयर माइट पॉइंट टू एनी पैरामीटराइज्ड वर्जन ऑफ पेज. और सोशल शेयर जो हम करना है उसमें भी वो सेम पेज इसको पैरामीटराइज कर रहा है. दिस कैन फर्दर कंफ्यूज क्राउलर हु वांट अंडरस्टैंड विच ऑफ द कंपीटिंग पेज शुड बी रैंकिंग फॉर सर्च क्वेरी. अब उससे यूजर जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता वो समझ नहीं पाता कि कौन सा पेज रैंक कर रहा है सर्च क्वेरी में. तो इसको डाइल्यूटेड रैंकिंग सिग्नल कहते हैं. पुअर यूआरएल रीडेबिलिटी. व्हेन ऑप्टिमाइजिंग यूआरएल स्ट्रक्चर वी वांट द यूआरएल टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंडेबल. अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अ कोड एंड नंबर हार्डली फिट द पेज. अ पैरामीटराइज यूआरएल इज वर्चुअली अनरीडेबल फॉर द यूजर. अब जो सिंपल यूआरएल होता है वो तो आपको समझ में आता क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और समझ में आने वाला रहता है लेकिन लॉन्ग यूआरएल जो पैरामीटराइज होता है वो प्रॉब्लम करता है और ना ही आपके बजट में रहता है. यू आर एल इज़ वर्चुअली अनरीडेबल फॉर यूज़र और वो यूज़र को समझ में भी नहीं आता है.
when displayed in the SERP or in the newsletter or on the social media, the parameterized URL looks spammy and untrusty. और लोग उसको स्पैम समझते हैं, अनट्रस्टवर्दी समझते हैं और क्लिक करने से डरते हैं और उस पेज पे जाने से डरते हैं. तो पुअर URL जो होता है वो आपको बेनिफिट नहीं देता बल्कि लॉस देता है. अगर आपने पैरामीटर सही से नहीं लगाया, यूजर को समझ नहीं आया, तो वो उसको क्लिक नहीं करेगा क्योंकि वो डरता है कि वो उसमें स्पैम ना हो. If you understand this concept, please run, share and subscribe my channel, Ratan Agarwal IT Informer. Follow my all social media link given in the description. Join Telegram channel, Tech Ratan. And please follow the channel to get more. So thank you viewers. If you like it,